ना पड़े। लेकिन गाइस यहाँ पे इनके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है या फिर इनकी तो आ गए फिर से। तो कैसे मेरे प्यारो, आई होप सो आप काफी ज्यादा मस्त होंगे और वेस्टलैंड में लूट लूट कर ही रहे होंगे। देखो आप लूट नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह है कि आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो मेरे प्लेलिस्ट को चेक करना ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखिए आज हम बात करने वाले हैं वेस्टलैंड में आए अपडेट के बारे में। देखो अपडेट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वेस्टलैंड ने पहले उसको लाया था, फिर गायब कर दिया, फिर दोबारा से लिया है। देखो मैटर क्या है मेरे को नहीं पता, तो जाके चेकआउट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं काफ़ी सारी हीलिंग बनाने की चीज़ों को इकट्ठा कर रहा होता हूँ ताकि मैं इन सारों का यूज कर पाऊँ। देखो पहले हम जाएंगे चेकआउट करके आएंगे कि मसला क्या चल रहा है वहाँ पे, तो उसके बाद जाएंगे। देखो मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ के बारे में, स्पिरिट केव के बारे में। देखो वो आया था, फिर वो चला गया, फिर वो वापस आ गया, मतलब समझ में नहीं आया। ठीक मेरी स्पेट की तरह, जिसके अभी गायब था अभी आया और ये दोबारा से कुछ देर बाद नहीं, ये देखो अभी गेट खोल के भाग जाएगा, मतलब इसको कमरे में रहने की आदत ही नहीं है। तो देखो वेस्टलैंड को सबसे पहले हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा और यहाँ पे काफ़ी सारे टास्क आए थे जो कि मैं काफ़ी दिनों से वेस्टलैंड प्ले नहीं कर रहा, बिकॉज गाइस ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया। मतलब पहले भी हार्ड था लेकिन मैंने अब तक इतने लेवल कर लिया, अभी भी ये इतना ही हार्ड है, तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा। मतलब वेस्टलैंड सोचता क्या है, क्या करें हम, मतलब हार्ड के नाम पे इन्होंने बिल्कुल भर भर दिया, लूट के नाम पे कुछ नहीं दिया। तो देखो ये था कैनियन ट्रेल, उसके ठीक साइड में था हमारा स्पिरिट केव और मैंने इसके ऊपर भी पूरे 4 वीडियो बना रखे, मतलब 4 वेव्स थे, मतलब 4 डोर कह सकते हो, जिसको कंप्लीट करने में मतलब मजा आ गया था। मतलब पिछली बार का जो स्पिरिट था ना, मतलब स्पिरिट केव था, वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो देखो इस बार भी हम जाके उस जगह को चेक करने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले मेरे को कुछ याद आया, देखो अपन के पास बैकपैक है, ये बेकार वाला, मेरे को चाहिए ओरिजिनल। तो मैं जाके सबसे पहले अपना बैकपैक को बदलता हूँ और ये मैंने अभी ब्लर मारा बिकॉज आपको दिखना नहीं चाहिए ना कि क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहली बात, मेरे चैनल पे कुछ नई चीज़ें आई हैं जैसे कि सुपर थैंक। अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप सुपर थैंक के थ्रू मेरे को पैसे भेज सकते हो, बिकॉज अभी मेरा एडसेन ऑन नहीं हुआ है। तो अपन पूरी कोशिश करेगा कि इस महीने कंटिन्यूस वीडियो डालें और आई होप सो इस साल मतलब 2023 के एंड तक अपन अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाए। देखो आप लोगों के सपोर्ट से ही मैंने 1K किया था, तो आप लोगों के सपोर्ट से ही इस बार हम ये भी कर लेंगे। तो अपना सपोर्ट दिखाते रहो और कमेंट करते रहो। देखो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास होते हैं काफ़ी सारे गन्स, जिसको टच गन कहते हैं, जिसको लेकर के मैंने पिछली बार स्पिरिट गेम में बिल्कुल मचा दी थी, मतलब समझ रहो इतनी ज़्यादा कर दिया था ना, मतलब मजा आ गया था। मतलब मैंने 4 रोज को कंप्लीट कर लिया था, वो भी 3 दिनों के अंदर। हाँ मतलब उसके अंदर टाइमिंग भी चलती है ना, तो उस टाइमिंग के अंदर कर लिया था रिपेयर करके। उस बार मैंने पहली बार एक टचगन को बाय किया था, वो भी 89 रुपीज़ में, वो भी रियल वाले में। तो यहाँ पे मैंने कुछ काफ़ी सारे यहाँ पे लेदर्स वगैरह क्राफ्ट करके कॉटन के क्लोथ बनाए ताकि मैं अपने बैकपैक को रिपेयर कर पाऊँ। बट गाइस यहाँ पे ऐसा नहीं होता क्योंकि मेरे पास ब्लैक लेदर है ना, ये नहीं होते। तो देखो इसके लिए है ना वेस्टलैंड ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड कर दिया, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ना हमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि गन लेने जाओ और लेदर लेने जाओ तो गन की जरूरत, तो फिर गन डैमेज हो जाएगी, मतलब काफ़ी सारा माल मसाला भर दिया है। अगर आप इसको प्ले करते हो तो आपको पता हो कितना ज़्यादा हार्ड है। अगर आप चाहते मैं किसी से नहीं डरता, अपन हार्ड को तो ऐसे पूरा कर लेता है, तो आप इस गेम को प्ले करके देखो, तब आपकी जो हालत होगी वो मेरे इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट कर देना। क्या पता आपकी पोस्ट अच्छे लगे तो मैं आपकी पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूं। तो ये सारी चीज़ें मैं नई नई ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज क्या पता कब, देखो कहते हैं कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए, तो मैं भी कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ। आप एक मज़ेदार सा पोस्ट लेकर के मेरे इंस्टाग्राम पे सेंड कर दो, आई होप सो वो पोस्ट मज़ेदार होगी, तो आई होप सो आपका नाम भी आएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्पिरिट केव के अंदर आ गया, और आते ही भाई सबसे पहले मेरे को लगा नहीं था कि ऐसा होगा। मतलब पिछली बार आपको याद है जब अपडेट आया था तब भी ठीक इसी तरीके से था और मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था, मतलब लास्ट वाले मॉन्स्टर को मारा था जो कि क्रो मॉन्स्टर था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। लेकिन क्या आपको लगता है इस बार मैं इसको हरा पाऊंगा? तो उसके लिए तो आपको पूरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा करते हैं कि अपन ने निकाली है टच गन और इस टच गन से मैं चाहता हूँ इनको मारूं। देखो मैंने बिजली वाली एबिलिटी ली थी ताकि बिजली इनको मार दे, मेरे को मारने की जरूरत ना पड़े। लेकिन गाइस यहाँ पे इनके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, या फिर इनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, या फिर कुछ ना कुछ तो मामला है। यहाँ पे मेरी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। आई होप सो मेरे पास ऐसा लग रहा है मेरे पास आर्मर नहीं है और भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं है। मतलब यहाँ पे भाई मेरी 2 हेल्थ तो यूज हो गई और अब तक ये लोग मरे नहीं है। पहले वेव में ऐसा होना नहीं चाहिए बट ऐसा हो रहा है। तो मेरे को क्या लगता है गाइस कि हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, मतलब यहाँ से फुट लेना पड़ेगा, और यहाँ पे एक क्रॉस करके निशान भी आ रहा है, तो इसको भी दबा के देखेंगे ये है क्या चीज़।
तो फटाफट से इसको दबा के सबसे पहले देखेंगे। तो फटाफट से मैं इसके लिए सबसे पहले मैं अपने दूसरे लेवल पे जाता हूँ और इस बार में थंडर माइटी लेंगे, चूँकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे जो हमारे अपोनेंट्स होते हैं वो अपने आप मर जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर दरवाजे को ओपन करते हैं और इससे मैं बाहर निकल जाता हूँ। और सबसे पहले बात गाइस, मेरे को काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगा तो अपन यहाँ से बाहर निकल जाता और एक दिन बाद ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक दिन का वेट करो, आई होप सो मैं तब तक सारी की सारी सामग्री को इकट्ठा कर लूँ और जल्दी से ही आपके लिए स्पिरिट केव के ऊपर के एक नई वीडियो लेके आऊँ। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो अपन टालते हैं, अपन को अपडेट के बारे में बताना था। तो मेरे को बस इतना ही बताना था कि अपडेट के अंदर ये स्पिरिट केव फाइनली दोबारा से आ गया, मतलब दोबारा से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आएंगे। काफ़ी सारे मॉन्स्टर से लड़ने के बाद हमें क्या मिलने वाला, पिछली बार तो मेरे को कुछ नहीं मिला था। इस बार आई होप सो वेस्टलैंड ने कुछ अपडेट के अंदर चेंजेस वगैरह किया हो, वरना पिछली बार की तरह ही हमें खाक ही मिलने वाला है। तो आई होप सो इसको प्ले करने का कोई फायदा नहीं स्पिरिट केव को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आई होप सो आपको वीडियो में मजा आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।